क्या आपको मालूम है भगवान श्री कृष्ण सिर पर मोर पंख क्यों लगाते थे और उन्हें बचपन में गोबर के पानी में क्यों नहलाया जाता था? इसके बारे में ऐसे तो अनेक मान्यता है, लेकिन एक मान्यता के अनुसार जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उन पर बहुत सारे बुरी शक्ति का साया था, इसलिए बचपन में पैदा होते ही उन्हें गोबर पानी में नहलाया गया था। जैसे कि आपको मालूम होगा कि मामा कंस श्री कृष्ण का वध करने के लिए कई सारी षड्यंत्र रचा था, जिसमें पुतना जैसे भयंकर राक्षसनी को श्री कृष्ण के वध करने के लिए भेजा था। पुतना अपनी जहरीला दूध श्री कृष्ण को पिलाकर मारने के प्रयास करती है, बाकी बाल श्री कृष्ण पुतना के वध कर देते हैं। पुतना के मृत्यु के पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पुतना की बुरी दृष्टि लगे रहती है, इसी वजह से माता यशोदा श्री कृष्ण को गोबर पानी में नहलाती थी, जिससे ये पता चलता है कि गौ माता के गोबर में कितनी ताकत है। और उनके सिर पर मोर पंख लगाने के बारे में भी यही कारण है। सिर पर मोर पंख लगाने से किसी भी बुरी आत्मा की दृष्टि श्री कृष्ण पर ना पड़ सकी, और इसी वजह से श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख लगाया जाता था। बाकी दोस्तों, वास्तविक में जो स्वयं भगवान का अवतार हो, क्या उन्हें कई बुरी शक्ति का प्रभाव पड़ सकता है? ये तो सिर्फ एक माँ की प्यार है जो अपने पुत्र को किसी भी संकट से रक्षा करनी थी।